ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको परिवर्तनी एकादशी का महोपाय बताने वाला हूँ। यह एकादशी बहुत बड़ी एकादशी है और दो दिन यह एकादशी रहने वाली है। दो दिन आपको ये उपाय करना है। बेहद ही चमत्कारी और प्रभावशाली उपाय हैं। इनके करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी, धन बढ़ेगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी, जीवन में आ रही सारी कष्ट और परेशानियाँ दूर होंगे। एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा का बड़ा महत्व होता है। वैसे तुलसी माता को स्पर्श नहीं करते, लेकिन उपाय इस दिन आप कर सकते हैं। इस दिन तुलसी माता के सामने हाथ जोड़ करके निवेदन करें और एक रुपये का सिक्का, पीली कौड़ी, गोमती चक्र, कमल गट्टा, ये चार चीज़ें तुलसी जी के गमले में डाल दें बिना स्पर्श करें। नीचे गिरे हुए पत्ते आपको उठा लेने हैं। तुलसी माता के सामने चौमुखी दीपक जला देना है और धन प्राप्ति के लिए निवेदन करना है कि हे माता तुलसी, हे माता लक्ष्मी, आप हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, जीवन में आ रहे हमारे कष्टों को दूर करें, हमारी परेशानियों को दूर करें। इस प्रकार से आपको तुलसी माता के सामने दीपक जला करके निवेदन करना है। उसके बाद में आप भगवान विष्णु को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद में भगवान विष्णु के सामने तुलसी पत्र रखें। भगवान विष्णु के सामने चौमुखी दीपक जला करके एकादशी की कथा का श्रवण करें। इस दिन घर में भगवान के स्नान का जल जरूर छिड़कना चाहिए, इससे वास्तु दोष दूर हो जाता है, घर में भरपूर धन की प्राप्ति होती है। इस दिन रात को माता लक्ष्मी के सामने पूजन अवश्य करना चाहिए। माता लक्ष्मी की पूजा करने से हमारे सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं और माता लक्ष्मी धन प्राप्ति का आशीर्वाद देती हैं। इस दिन गौ माता का पूजन अवश्य करना चाहिए और गौ माता को गुड़ व तिल, हरिद्रवा जरूर खिला के आनी चाहिए। इस दिन भगवान शिव का अभिषेक जरूर करना चाहिए। भगवान शिव का अभिषेक करने से हमारी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, कैसी भी कोई दिक्कतें हैं, तो आपको इस दिन पूजन अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति आज के दिन पूजन करते हैं उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। आज के दिन जो व्यक्ति भगवान के सामने अपनी प्रार्थना बोलते हैं, श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। तो आपको भी आज के दिन यह पूजन जरूर करना चाहिए, भगवान से निवेदन करना चाहिए, इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। एकादशी के दिन दान पुण्य करें, पितरों का पूजन जरूर करें, पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के परिक्रमा करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री महालक्ष्मी नमः।